ये कहानी है एक हीरो की, जो अपनी उन छोटी छोटी आँखों में बड़े बड़े सपने लिए हुए पैदा हुआ था। जब लोग उससे पूछते कि तुम बड़े होकर बनना चाहते हो क्या, अब वो खुद ही कन्फ्यूज था, वो अपना हीरो भी कहे क्या। थ्री इडियट देखी तो लगा इंजीनियर बन जाऊँ, मुन्ना भाई देखी तो लगा डॉक्टर बन जाऊँ, जॉली LLB देखी तो लगा वकील बन जाऊँ, MS धोनी देखी तो लगा क्रिकेटर बन जाऊँ, कभी एक्टर तो कभी सिंगर, कभी पेंटर तो कभी डांसर। नहीं मालूम था कि बड़ा होकर क्या बनेगा, लेकिन इतना ज़रूर मालूम था कि अपना हीरो कामयाब ज़रूर बनेगा। उसका भी ख्वाब था जैसे कभी खुशी कभी गम में शाहरुख की एंट्री होती है ना, वैसे ही एक दिन उसकी भी एंट्री होगी। जैसे गजनी में आमिर का लाइफ स्टाइल होता है ना, वैसे ही एक दिन उसका भी होगा। एक दिन पूरी दुनिया में उसका भी नाम होगा, टाटा बिरला अंबानी जैसा काम होगा, लग्जरी कार होगी, बड़ा बंगलो होगा, सारे ऐसो आराम होंगे। और फिर फाइनली वो दिन आ ही गया जब अपने हीरो की ज़िंदगी बदलने वाली थी और रियलिटी से सामना होने वाला था, क्योंकि अपना हीरो 10th में जो आने वाला था। तब पापा बोले, बेटा सारे ख्वाब होंगे पूरे, सभी सपने होंगे सच, एक साल की मेहनत करके 10th पास कर लो, जिंदगी सेट। फिर क्या था, लग गया अपना हीरो उस पढ़ाई के दौड़ में, सुबह शाम दिनों रात RD शर्मा और AS चांद, एक साल की कड़ी तपस्या, बोर्ड एग्जाम बड़ी समस्या। लेकिन जैसे तैसे गिर पड़ कर अपना हीरो हुआ पास, अब तो ज़िंदगी सेट। लेकिन वो कहते हैं ना कि 3 तरीके के लोग होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और रिलेटिव्स। तो 3rd कैटेगरी वाले आकर बोले, बेटा साइंस ले लो, बहुत स्कोप है, बेटा मेडिकल ले लो, ज़िंदगी सेट है, बेटा कॉमर्स ले लो, CA बन जाओगे, अरे बेटा आर्ट्स ले लो, प्रोफेसर बन जाओगे। पर वो खुद क्या बनना चाहता था ये किसी ने नहीं पूछा। बेटा सारे ख्वाब होंगे पूरे, सभी सपने होंगे सच, ये 2 साल की मेहनत करके 11th और 12th पास कर लो और ज़िंदगी सेट। फिर क्या था, 2 साल की कड़ी तपस्या, बोर्ड एग्ज़ाम बड़ी समस्या। लग गया अपना हीरो ज़िंदगी की एक और रेस में, सुबह शाम दिनों रात NCERT फार्मूला और डेरिवेशन के साथ, थोड़ी बटरिंग, थोड़ी चीटिंग, थोड़ी किस्मत, थोड़ी मेहनत करके अपना हीरो हुआ फिर पास। अब तो ज़िंदगी सेट ना, जैसे सभी ने कहा था। लेकिन नहीं, बेटा सारे ख्वाब होंगे पूरे, सभी सपने होंगे सच, बस ये 3 से 4 साल की ग्रेजुएशन कर लो और ज़िंदगी सेट। इमोशनलिस्टों ने अपने हीरो को इस कदर जकड़ा कि ज़िंदगी की इस दौड़ से कभी बाहर ना आ सका। फिर लगा रहा अपना हीरो ज़िंदगी के ऐसे ही दौड़ में, अपने ख्वाबों को लेकर कि कभी तो सपने होंगे सच, पर हमेशा यही सुनता रहा कि बेटा जॉब कर लो, ज़िंदगी सेट, शादी कर लो, ज़िंदगी सेट, बच्चे कर लो, ज़िंदगी सेट, रिटायर हो जाओ, ज़िंदगी सेट। अब लास्ट में जब अपना हीरो आखिरी सांसें ले रहा होता है, तब एक फ्लैशबैक सामने आता है कि पूरा जीवन बिता दिया इस ज़िंदगी को सेट करने में, लेकिन असल में वो तो जीना ही भूल गया। और याद आते हैं बचपन में खुद से किए हुए वो सभी वादे, वो वादे कि एक दिन उसके सभी सपने सच होंगे, वो वादे कि एक दिन पूरी दुनिया में उसका भी नाम होगा, वो वादे कि एक दिन उसके पास भी सब कुछ होगा। और तभी सामने अंधेरा होने लगता है, शरीर सांस छोड़ने लगती है, धड़कनें थमने लगती है और फिर मौत। हाँ, अपना हीरो मर जाता है। क्या हुआ, पसंद नहीं आई एंडिंग? तो बदल लो, आपकी अपनी ही कहानी तो है।